नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश पठानिया और आप देख रहे हैं एक्टिव न्यूज। आज अस्पताल सुधारो संघर्ष कमेटी चिड़ियार ने क्षेत्र की जनता के साथ नायब तहसीलदार के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया, जिसमें चिड़ियार के सरकारी अस्पताल के हालात के बारे में बताकर हालात सुधारने की अपील की। ज्ञापन में बताया गया कि एक्सरे मशीन वर्षों से खराब पड़ी है, अल्ट्रासाउंड मशीन बिना रेडियोलॉजिस्ट के धूल फांक रही है, सफाई कर्मचारियों के चार पद खाली पड़े हुए हैं, अस्पताल की इमारत खस्ता हाल बरसात में टपकती है, क्षेत्र की 30,000 जनसंख्या इस अस्पताल के ऊपर निर्भर है व इस अस्पताल का दर्जा बढ़ाना वर्षों से बाकी है। लोगों के अनुसार दूसरे क्षेत्र की डिस्पेंसरियां इस अस्पताल से बेहतर सेवाएं प्रदान कर रही है। संघर्ष कमेटी ने चेतावनी दी कि अगर 15 दिनों के भीतर कार्यवाही नहीं होती तो वे मजबूरन धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल आमरण अनशन तक का रास्ता अपनाएंगे, जिसकी जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासन की होगी। पेश है संबंधी चिड़ियार से हमारे सहयोगी टिंकू राणा की एक रिपोर्ट। सारे ने ले लिया।